Hey everyone! Happy Janmashtami to all of you and welcome back with the new vlog. कैसे हैं आप सभी? Hope you all doing good. और जैसे कि previous vlog में आपने देखा होगा कि हमारी जन्माष्टमी की सारी तैयारियां हो चुकी थी और हम सभी लोग भी रेडी हो गए. एंड एक चीज़ बोलना चाहूँगी, इसके पिछले वाले ब्लॉग जो था ना, जो मैंने जन्माष्टमी प्रिपरेशन का डाला था, उसमें किसी का कमेंट आया, अगर होगा तो मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगी. तो वो बोल रहे हैं कि मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि हम सारे फेस्टिवल्स जो हैं, सारे जो भी सेलिब्रेशन होते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं. मतलब उन्हें हमारा जो तरीका है वो बहुत अच्छा लगता है. सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग. और इन्हें कमेंट करके बताई गई, लग रही है ना बिल्कुल राधा जी जैसे. सभी लोग रेडी है. और आज की जो थीम है वो हम लोगों की येलो है, क्योंकि हमारे जो कान्हा जी की ड्रेस है वो भी येलो ही है. तो अभी सब लोग आ जाए, उसके बाद सबका हम लोग दिखाते हैं. हाँ, और बस ज्यादा समय नहीं लगेगा, अब हमारा जो आज का फेस्टिवल है वो हम शुरू करने वाले हैं. और आज का जो ये ब्लॉग है ना, मतलब जरूर पूरा देखिएगा, पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी इतना सब स्किप मत करिएगा. भले ही अभी आपके पास टाइम ना हो ना, तो थोड़ी देर बाद टाइम निकाल के देखिए, या फिर अभी आप देख रहे हैं अगर टाइम हो तो कंटिन्यू देखिए. मतलब बहुत मजा आने वाला है इस ब्लॉग में, बहुत ज्यादा सच में. मतलब ये शेयर करते हुए भी मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं. लेकिन आप अगर देखेंगे ना, तो ये समझ लीजिए कि आपके मन में जो भी चल रहा है ना, वो सीधा भगवान तक पहुंच रही है बात. चलिए, तो अब हमने दीपक जला लिए हैं और ये हम रखना जा रहे हैं बाहर. जय किचन में सबके लिए चाय बना रही है. ये यहाँ जय बना रही है चाय और कॉफी बन रही है. यहाँ पर मम्मी लगा रही हैं इनको माहौल. अच्छा लगता है ना जब पूरा तरीके से श्रृंगार किए हैं, तो फिर किसी चीज की कमी ना रहे. मेहंदी भी लगी हुई है और मेरे हाथ में आपका नाम लिखा हुआ है, दिख रहा होगा. इसके ऊपर कुछ और लिखा था, उसमें लिखा था मेरी प्रिया. और आपके हाथ में क्या लिखा था, क्या लिखा था? माई सिस्टर इज सो मच हैंडसम, मच 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 बेटर देन मोर बेस्ट क्यूटेस्ट, मच मोर बेस्ट, मच मच मोर बेस्ट. ये आ गई है कॉफी और इधर आ गई है चाय. राधा जी के जमाने में चाय नहीं थी, तो आपको आज ना चाय या कॉफी ना पीना चाहिए, माखन मिश्री खाना चाहिए. चाय खत्म करके मम्मी फिर से अपने काम में लग गई और इनकी जो चाय है वो खत्म ही नहीं हो रही है अभी. मुझे वृंदावन बुला.
सही बात, जैसे शादियों के टाइम पर होता है ना दुल्हन वाला। और यहाँ हम दोनों भाई बहन आ रहे हैं वृंदावन से, जस्ट अभी लैंड किए हैं भोपाल की जमीन पर। हम वृंदावन जाते नहीं, हम वृंदावन जा लेते हैं। राधे 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 राधे। हेलो आइए 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 आंटी। सो बस अभी टाइम हो गया है 9:30, देखते ही देखते सोचे थे 7 बजे स्टार्ट करेंगे, बट अभी 9:07 ठीक है क्योंकि 12 बजे तक चलेगा फंक्शन, तो अभी बस स्टार्ट होने वाले हैं भजन। एंड आई होप हमारे भजन में आप जरूर एक बार कान्हा जी से कनेक्ट करेंगे। और इधर हमारे बैठे हैं जीजू। जीजू हेलो तो बोल दीजिए। और आप हमारे सगी नंदे क्या? क्यों? और दो इधर बैठी हुई है जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं पहले से। कार्यक्रम की सबसे पहले शुरुआत हमारे विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान जी से स्टार्ट करने वाले हैं, तो बोलो गणेश भगवान की जय। गणपति बप्पा
वैष्णो देवी ही चल रहे हैं। अब की हमारी यात्रा जो प्रारंभ हो रही है वैष्णो देवी के लिए हो रही है, तो गाइस आप लोग भी हमारे साथ कनेक्ट करके चलिए माता के दरबार वैष्णो देवी। तो जोर से बोलो निराले
साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, साथी Bye.
सहारे की जय। सुनेंगे तो वही और सुनने फिर भी आएंगे, है ना। Thank you.
तो अभी तक हम लोग सारे भगवान जी को मना लिए, वहां तक पहुंच गए, दरबार में चले गए, लेकिन जो भगवान हमारे लिए करता है, मतलब उनने जो भी आज तक हम लोगों को जो भी चीज दिए हैं, हर पल की खुशी, जो भी हम मांगते, जो भी हमें मिलता है, लेकिन हमने आज तक कभी मतलब धन्यवाद तो देते हैं, लेकिन आज सब लोग मिलकर साथ में हर एक पल की खुशी के लिए, हर एक चीज के लिए भगवान को थैंक यू बोलेंगे। चलो इससे अच्छा क्या होगा, जब लोग रंग बदलते हैं तो हमारा मुरली वाला वक्त बदल देता है। वाह वाह, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गम के आंच
दशरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद जरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, सुनानंद भयो जय कन्हैया लाल की। अति घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अति घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। I need you।
1, 2, 3 Yay! Happy birthday to you! Happy birthday to you! रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, केक मंगाया है, उसको कटेगा शाम। तू 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 हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, भक्त बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ कोई बात नहीं, नहीं खिलाओ। लड्डू गोपाल ये वाले भैया, मैं तो भैया मेरे भैया ने मुझे ये वाले भैया दे दिया। अच्छा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और तो काटो, दादा जी को भी खिला दो। बहुत टेस्टी है, चलो उठाओ सबके पास ले जा, ले जाके खिलाते जाओ। देखो सब लोग तारीफ कर रहे हैं, देख रहे हो। जय कमीशन दे रही है भैया को, जल्दी जल्दी वीडियो भेजने के लिए। अच्छा ज्यादा मीठा नहीं दीदी। हाँ चलेगा बेटा, खिला दो भगवान के केक से हम लोग आशीर्वाद। ये तो इतने अच्छे से वो नहीं हो पाया है थोड़ा सा। अरे सब अच्छा अंदर जान दो बस, जब टेस्टी रहता है तो सब चलता है। मुझे नहीं खिलाओगी जय? जय मुझे नहीं खिलाओगी? खिलाऊंगी ना। अरे यार गलत कर दिया तो क्या, मेरी जयश्री के साथ बहुत गलत करा है, बहुत प्यारा बनाई है जयश्री, थैंक यू। और मुझे और खिलाती रहना रोज है ना दीदी, रोज बनवाओ ना मैं भी खाऊंगा। जयश्री मेरा ध्यान रख के भाई और ऐसे जय थोड़ा सा खा लो। मैं नहीं खाती ना, जय थोड़ा सा खा लो अच्छी लगेगी। जीजू थोड़ा सा खा लीजिए अच्छी लगेगी टेस्ट। दीदी मैं थोड़ी सा खाई क्यों बस बस भैया इसको नहीं खिलाई आंटी को, खिलाए खा लिए। हम लोग प्रसाद खाने के लिए बैठे हैं यहाँ पर सब लोग, और माखन इतना टेस्टी लग रहा है ना सच में, सच में बहुत टेस्टी माखन। टाइम देखिए, टाइम कितने बजे, हम लोग भगवान का प्रसाद भी यहीं उन्हीं के सामने ग्रहण कर रहे हैं। तो अभी टाइम हो गया है 2 बजने वाले हैं मतलब रात को, भैया दीदी लोग अभी गए हैं और जस्ट अब हम लोग प्रसाद खाने के बाद अब करने वाले हैं फलाहार। वैसे तो नेक्स्ट डे लग गया है बट फलाहार ही चलेगा आज, है ना जयश्री? सो आज का ये व्लॉग आप लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग लगा होगा, क्योंकि हमने तो आज का ये जो कृष्ण जी का बर्थडे था उसको बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया है। और सच में मतलब भक्तिमय वातावरण हो गया था पूरा। सिर्फ एक चीज रह गई, गरबा नहीं कर पाए तो वो हम करेंगे आज से ठीक छठे दिन। हाँ। जब तानाजी की छठी होगी,
छठी बर हो जो भी आप समझते होंगे वो है ना। हाँ और क्या करने वाले हैं? और उस दिन हम लोग करेंगे सुंदरकांड। यस जैसे ही सुंदरकांड हाँ सुंदर वाला कांड करने जैसे तो उस दिन सुंदरकांड और मतलब उस दिन को भी हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो जो चीज़ आज नहीं हो पाई है उन्होंने कहा है गरबा, तो वो हम लोग करेंगे उसी दिन। यस तो उसमें भी बहुत मजा आएगा। एंड ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो अच्छा तो लगा ही होगा, तो उसके साथ साथ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड क्या आपको ज़्यादा अच्छा लगा है ये भी कमेंट डाउन ज़रूर करिएगा। जितने भी लोग इस व्लॉग को देख रहे हैं कमेंट किए बिना आप बिल्कुल मत जाइएगा सच में। अगर आप पार्ट नहीं कमेंट कर पा रहे हैं, अगर पार्ट करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, मतलब हमें पता चलेगा कि आप कौन से पार्ट से कनेक्ट हुए हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं करते नहीं बताते जय श्री कृष्णा जरूर लिख के जाइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे या राधे कृष्णा, जो भी आपकी इच्छा होगी तो वो जरूर लिख के जाइएगा। इतना तो आप कर ही दीजिएगा, समझ गए होंगे आप लोग है ना। सो अभी हमें इजाज़त दीजिए, जल्दी लेकर आते हैं एक और न्यू व्लॉग आप लोगों के लिए। सो स्टे ट्यून गाइस, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक कमेंट और शेयर सारी चीज़ें करके जाना है आपको। ओके सो बाय बाय, गुड नाइट, वंस अगेन हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। राधे कृष्णा, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे, गुड नाइट, बाय बाय।